आगाज से पहले शंखनाद के करवाने ध्रुवीकरण और नष्ट करने की सभी साजिश धोखा करती रही, जो देश के साथ के लिए लड़ते थे उनको लगातार हराती रही। जीते हम देंगे, सत्ता हम देंगे, लेकिन जो सुनवाई जो है वो हमारी नहीं होगी। सुनवाई जो है वो हमें चाहे जाएगा, अब तो बोलना नहीं। बचपन से मैं सुनता आया, तर्पण से आपने बोलना नहीं। अगर आप बोले कश्मीर में एलजीसी बन जाएगी, मुसलमान आपसे नाराज हो जाएगा। ये आप और सफर करते करते चीज ये कि जम्मू की अपनी आइडेंटिटी, जम्मू की अपनी डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी की बात करने वाला। आपको ये सारी बातें आपको सुनाएंगे, बस इतना बोलूंगा। मैंने पहले भी मैं आज ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, मैं एक बात करके बात कर दूंगा। अगर हमने समय रहते जो जिस प्रकार की राजनीतिक कारोबार नहीं किया, उसका दिशा परिवर्तन नहीं किया, उसको मोड़ा नहीं, उसको कंस्ट्रक्शन नहीं की, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए एक ही जम्मू जो है वो जिस मोड़ पर चला रहा है वो मैं उनके साथ खड़ा हूँ, क्योंकि इन्होंने कहा कि जम्मू के साथ उन्होंने भेदभाव के खिलाफ ये लड़े थे और एक लोगों पर लड़ना बहुत सारे फोन। दूसरा हम पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे रहते हैं और तीसरा हम असेंबली के अंदर में रहते हैं, और मैंने देखा कि असेंबली के अंदर में जब भाई लड़ते लड़ते हार गए किसी को असर नहीं, वो आगे से कम क्यों आता है, जबकि रेवेन्यू के अंदर में हम सबसे ज्यादा देते हैं तो उसका कोई जॉब नहीं मिला। मैंने इनको ये भी कहा, आप इस धारा को एकदम तोड़ नहीं सकते, एकदम उसको चेंज नहीं करता, उसकी सीलिंग कर देते। आप इंक्रीमेंटल जो है गवर्नमेंटल एक्सपेंडिचर जो है वो जम्मू सूबे के अंदर बढ़ाई है, चार साल के बाद में जम्मू और कश्मीर बराबर किया पर वो आज तक किसी ने करने की कोशिश नहीं की, ना ही किसी ने समझने का प्रयास किया। मैंने पिछले अधिवेशन में आंकड़ों के माध्यम से कुछ